तुझे क्या दिखाई देगा दिन का उजाला? मेरे घर की रोशनी बुझाकर पूछता है, मेधा दिखाई नहीं देती? मैं थूकता हूं तेरे मुंह पे, थू तेरी। मेरे रास्ते में अड़चन पैदा करने का मतलब जानता है तू? देख, जो कुछ हुआ उसे भूल जा, और तेरी जिंदगी में जो कुछ बचा है अगर उसको बचाना चाहता है तो फिर भी बता के रवि कहां है। मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी। कीमत तो तुझे चुकानी होगी कैलाश, आज नहीं तो कल। तू हालात के कटघरे में खड़ा होगा और वक्त मुंसिफ बनकर तुझसे तेरे गुनाहों का हिसाब मांगेगा। मुझे बहस करने की आदत नहीं है विष्णु, तू जानता है। तू सिर्फ ये बता कि रवि कहां है। आज मैं तुम्हारे बेड़ियों में कैद हूं, लेकिन मेरी सच्चाई आजाद है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि रवि कहां है। मैं भी देखता हूं कब तक तू अपनी जबान को बंद रखने में कामयाब होता है। रोशन सर, ठेकी मोबाई, ठेकी मोबाई, ठेकी मोबाई। केसी साहब, आप यहां? रॉको, मैं तुम्हें जो भी बोलूं तुम्हें करना होगा। तुम्हें अभ्यास की सारी हदें पार करनी होंगी ताकि तुम दुनिया के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का सामना कर सको। गॉट इट? सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। ऑल द बेस्ट। रोशन लाल, तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारे एक सही काम के लिए मैं तुम्हारी 10 गलतियां बर्दाश्त कर लूंगा। सर, मैं क्षमा चाहता हूं। जितना मैं वफादार हूं उतना शायद ही कोई दूसरा आपकी फौज में होगा। अब मैं आपका यह काम करके ही रहूंगा। कैसी साहब, मेरी नजर तुम दोनों पर है। कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ये तो तुम भी जानते हो, और हम ये चाहते हैं कि सारे काम अमन और शांति के साथ हों। टूर्नामेंट की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, और हाँ रॉको, कल का दिन तुम्हारे लिए भी बहुत अहम दिन है। और हमारी नजर खास तौर से तुम पर है रॉको। बस फिक्र है तो रवि और विष्णु की, ये हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश जरूर करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी तुम पर है रोशन लाल कि हमारी इज्जत पर आंच ना आए। सर, रवि प्रताप को रोकने का एक तरीका है। वो क्या? बोलते क्यों नहीं? सर, आप उसको टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बुलवाइए। रवि को निमंत्रण? वो क्या करेगा, वो क्या करेगा हमारे टूर्नामेंट में? सर, क्योंकि वो भी एक मास्टर है। मास्टर? काय का मास्टर? सर, मार्शल आर्ट्स का मास्टर। तुम्हें कैसे मालूम? मैं इसको लड़ते हुए देख चुका हूं सर। कब और कहां? अपने ही कैसीनो में। उसका नतीजा क्या था? बस सर, लड़ाई शुरू होते ही रोक दी गई और वो कमबख्त भाग गया। ठीक है, हमारा दस्तखत किया हुआ बुलावा उसको भेज दो। और हमारा संदेशा रवि तक रघुवीर पहुंचाएगा। करके ही रहूंगा कैसी साहब। बोल कमीने, बताता है कि नहीं? बोल रवि कहां है? बोल। रघुवीर का निमंत्रण पाकर रवि तो आएगा ही, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा लड़ाकू रॉको उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन ये विष्णु को लेकर आप परेशान ना हो सर।
केसी साहब, इस विष्णु से छुटकारा पाना है। सर एक आइडिया है। क्या सर? रघुवीर तो जा ही रहा है रवि के पास निमंत्रण लेकर। पीछे से विष्णु के हाथ भी रवि को निमंत्रण भेज देते हैं। दो दो निमंत्रण पाकर रवि चार्ज हो जाएगा। इससे क्या फायदा? फायदा यह होगा कि रवि और विष्णु दोनों ही आएंगे। रवि को रॉको सीधा कर देगा और विष्णु से हम निपट लेंगे। फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू सर। फिर देर किस बात की, काम पे लग जाओ। सर सर विष्णु, तुम्हें केसी साहब ने छोड़ दिया है। खोल दो इसे। मेरा मतलब है आजाद कर दिया। ये क्या नया नाटक है केसी का? नाटक तो हर इंसान के साथ खेल रहा है। ये हैं इनविटेशंस। किसका, किसके लिए? एक तुम्हारे लिए, एक रवि के लिए, टूर्नामेंट के लिए। और सुनो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे छुपे हुए। ये इनविटेशन तुम रवि को दोगे और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखोगे, और जरा भी चालाकी करने की कोशिश की। समझ गए ना? लेडीज एंड जेंटलमैन और दुनिया भर के बेमिसाल मार्शल आर्टिस्ट, आज मैं बड़े जोश के साथ केसी इंटरनेशनल की तरफ से इस इंटरनेशनल मार्शल